हवा में उड़ना हमेशा से इंसानों का सपना रहा है, पर क्योंकि हमारे तो विंग्स नहीं हैं, तो हम इंसानों ने फ्लाइंग मशीन्स बना ली जो कि हमें फ्लाई करवा सकें। अब फ्लाइंग मशीन्स भी बहुत टाइप्स की होती हैं, जो कि एक दूसरे से बहुत अलग काम के लिए यूज़ की जाती हैं। ऐसे ही दो फ्लाइंग मशीन्स हैं, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर। तो वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर, आइए समझे हमारे चैनल जाने दुनिया 10 मिनट में। अगर लुक्स की बात करें तो हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन दोनों अलग दिखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर कभी कभी ये क्लियर करना मुश्किल हो जाता है कि आखिर ये दोनों इतने डिफरेंट क्यों दिखते हैं जब दोनों ही फ्लाइंग मशीन्स हैं। पहला डिफरेंस है लिफ्ट। लिफ्ट क्या होती है? जी हाँ, ये तो लिफ्ट है ही, पर हम जिस लिफ्ट की बात कर रहे हैं वो है किसी मशीन या ऑब्जेक्ट का इतना फोर्स जनरेट कर पाना कि वो अपने वेट को काउंटर करके हवा में उड़ने लायक फोर्स जनरेट कर पाए। एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर जो लिफ्ट जनरेट करते हैं उसका तरीका एकदम अलग है। हेलीकॉप्टर्स अपने तेजी से घूमते हुए रोटर्स को यूज करके इतना मोमेंटम बनाता है जिससे वो उड़ सके। ये रोटर्स हवरिंग या हवा में मंडराने और मुड़ने के लिए भी यूज किए जाते हैं। दूसरी तरफ एयरप्लेन्स ऐसे मैकेनिक से डिजाइन होते हैं कि उनको लगातार चलना पड़ता है ताकि हवा उनके विंग्स से पास हो और वो लिफ्ट जनरेट कर सके। इसलिए ही एयरप्लेन्स को लॉन्ग रनवे की जरूरत पड़ती है, जबकि हेलीकॉप्टर्स कंपैरेटिवली कम जगह से टेक ऑफ कर सकते हैं। इसमें नोटेबल एक्सेप्शन ये है कि कुछ मिलिट्री एयरप्लेन्स हैं जैसे सी हैरियर जो हवा में डायरेक्ट टेक ऑफ कर सकते हैं, पर क्योंकि वो एयरफोर्स के हैं तो आपको घूमने फिरने के लिए तो वो मिलने से रहे। नीचे कमेंट्स में हमें बताइए कि क्या आपने एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर में से किसी की सवारी की है। आइए चले वापस वीडियो पर। दूसरा डिफरेंस है लॉ या कानून। अब शायद आप सोचे कि एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर दोनों ही उड़ सकते हैं तो इनके रिलेटेड लॉज भी सेम होंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए दोनों के लिए अलग लॉज बनाए गए हैं। जैसे कि एरोप्लेन्स को ज़्यादा कानूनों को फॉलो करना पड़ता है क्योंकि वो साइज में काफ़ी बड़े होते हैं और ज़्यादा लोगों को कैरी कर सकते हैं। अब एक लॉ को एग्जांपल लेते हैं हम इस चीज़ को समझने के लिए। जब एरोप्लेन किसी पॉपुलेटेड एरिया के ऊपर से उड़ते हैं जहां लोग या बिल्डिंग्स हों, तो उनको एक फिक्स्ड एल्टीट्यूड या ऊंचाई पर उड़ना होता है जिससे नीचे जाना उनको अलाउड नहीं होता। अब हेलीकॉप्टर के साथ ऐसी कोई एल्टीट्यूड लिमिट नहीं है, पर हाँ उनको फिर भी ये ध्यान में रखना होगा कि वो किसी बिल्डिंग के इतने पास ना आ जाएं कि कोई सेफ्टी इशू खड़ा हो जाए ह्यूमन हेल्थ और प्रॉपर्टी के लिए। तीसरा डिफरेंस है कंट्रोल। एरोप्लेन को हेलीकॉप्टर से कंपेयर्ड उड़ाने में ज़्यादा आसान माना जाता है। कुछ बड़े एरोप्लेन में उड़ने के लिए कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल होते हैं। हेलीकॉप्टर के केस में पायलट को दोनों हाथ कंट्रोल पर रखना पड़ता है, साथ ही पैर का भी यूज करना पड़ता है। आपको लग सकता है कि हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना चैलेंजिंग है, पर कई हेलीकॉप्टर पायलट यही प्रेफर करते हैं। चौथा डिफरेंस है फ्लाइट्स का अरेंजमेंट। सबसे बड़ा डिफरेंस जिसके बारे में हम केयर करते हैं वह है हम कितनी आसानी से फ्लाइट का अरेंजमेंट कर पाते हैं। आजकल के ऑनलाइन ज़माने में हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन दोनों को बुक करना बहुत आसान है। दोनों को ही आजकल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज़ किया जाता है। पर अगर हम बात करें प्राइवेट जेट्स और प्राइवेट हेलीकॉप्टर की, तो प्राइवेट जेट को हायर करना और उसका टेक ऑफ वगैरह ज़्यादा महंगा और कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसके लिए बड़ा रनवे चाहिए होगा। हेलीकॉप्टर के साथ ये समस्या नहीं है, छोटे एरिया से टेक ऑफ कर सकता है, इसलिए उसको हायर करना और जब मर्जी चाहे टेक ऑफ करना आसान है। लेकिन भले ही हेलीकॉप्टर से कहीं भी जाना ज़्यादा आसान हो, पर मान लीजिए आपका मन हुआ चलो भाई वॉशिंगटन चलते हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिलते हैं, तो अगर आप हेलीकॉप्टर से गए तो रास्ते में ही आपका टाइटैनिक वाला हाल हो जाएगा। इसलिए ये चुनना कि आपको एरोप्लेन से जाना है या हेलीकॉप्टर से, ये इस पर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ जाना है। पर क्या होगा जिस एरोप्लेन में आप सफ़र कर रहे हैं उस पर बिजली गिर जाए, तो जानने के लिए देखिए आपके लेफ्ट साइड वाला वीडियो। पर प्लेन में हम फ्राइज या इस टाइप का कुछ सामान भी खाते हैं, तो ये जानने के लिए आलू कैसे दुनिया में फैला देखिए अपने राइट साइड वाला वीडियो। तो मिलते हैं अगली बार।